दोस्तों फाइनली इंटेल ने लॉन्च कर दिए हैं अपने 14th जनरेशन के प्रोसेसर्स, जो कि लास्ट जेन यानी कि 13th जेन का एक माइनर रिफ्रेश है। तो आज की डेट में जब ये प्रोसेसर्स लॉन्च हुए हैं, मुझे पता है आज जितने भी रिव्यूअर्स हैं, जितने भी क्रिएटर्स हैं, सारे हाथ धोकर पड़ गए होंगे इंटेल कोर i9 14900 के पीछे। ऐसे में ही हम लोग आज बात करेंगे थोड़े से बजट फ्रेंडली ऑप्शन के बारे में, यानी कि कोर i5 14600K के बारे में। जानेंगे कितना परफॉर्मेंस बम्प अपने को लास्ट जनरेशन के मुकाबले मिल रहा है, क्या लेना सेंसिबल है या नहीं है, पूरा डिटेल में बात करेंगे। वीडियो बड़ी हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए, सो वीडियो को पूरे एंड तक देखिए और कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक। आज ही अगर मिले परफेक्ट गेमिंग और प्रोडक्टिविटी पीसी, विजिट करें www.techdreams.co.in और यहाँ पर जाकर आप चूज कर सकते हैं हमारे प्रीबिल्ट मशीन्स में से, या फिर इस तरह के कस्टमाइजेशंस के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम लोग ऑल ओवर इंडिया शिप करते हैं, डिलीवर करते हैं आपके डोरस्टेप पर। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टीम का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। ये मीडिया किट गाइस जो आप यहाँ पर रखी हुई देख रहे हैं, ये मुझे इंटेल ने सेंड किया, सो थैंक्स अ लॉट टू इंटेल इंडिया जिन्होंने मेरे को इस तोहफे से जो है नवाजा। और इसमें अपने को दो प्रोसेसर मिल रहे हैं, इसमें वी आर गेटिंग द कोर i9 14900K एंड मेरे को कोर i5 14600K मिला है। ऑब्वियसली ये जो है ये मीडिया किट है, तो ये रिटेल पैकेजिंग नहीं है, जो एंड यूजर पैकेजिंग है प्रोडक्ट की वो ऐसी नहीं रहने वाली, वो जब आएगी मार्केट में तो आपको दिख जाएगी और मैं भी दिखा दूंगा। अब फिलहाल थोड़ा सा साफ कर लें मिट्टी होगी इस पर। अब फिलहाल क्योंकि हम लोग फोकस कर रहे हैं आज कोर i5 14600K पे, तो सबसे पहले चेंजेस जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो आर्किटेक्चर है दैट इज जस्ट अ माइनर रिफ्रेश, रैप्टर लेक का ही एक माइनर रिफ्रेश जो है वो 14 सीजन अपना रहने वाला है। कोर एंड थ्रेड काउंट भी एग्जैक्टली सेम है लास्ट जनरेशन जैसे, यानी कि 13600K SKU की हम लोग बात करें उसके जितना ही कोर एंड थ्रेड काउंट है, विच मीन्स 14 cores and 20 threads, जहां पर 6 अपने परफॉर्मेंस कोर्स हैं, 8 अपने एफिशिएंट कोर्स हैं, वही परफॉर्मेंस हाइब्रिड आर्किटेक्चर जो कि इंटेल के पिछले कुछ जनरेशन में हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, वैसा ही आपको यहां पर भी मिल जाता है। ऑल्सो सॉकेट भी सेम है, यानी कि LGA 1700 सॉकेट बेस्ड मदरबोर्ड्स पर ही ये प्रोसेसर्स भी चलने वाले हैं, विच मींस आप जो 600 सीरीज के इंटेल मदरबोर्ड्स थे या 700 सीरीज के बोर्ड्स थे, विच इंक्लूड्स द B660, B760, Z690, Z790, इनमें से कोई भी मदरबोर्ड अपनी श्रद्धा अनुसार चूज कर सकते हैं। DDR4 एंड DDR5 दोनों प्लेटफॉर्म्स का सपोर्ट आपको अगेन मिल जाता है, तो फिर से अगर आप थोड़े से पैसे और बचाना चाहते हैं DDR4 प्लेटफॉर्म की तरफ जाकर भी इन CPUs को आप यूज कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि चेंज क्या है, सब कुछ तो बिल्कुल सेम ही हो गया। तो इस पर्टिकुलर SKU में यानी कि 14600K में जो चेंज है दैट इज विद द क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड आपको स्लाइटली ट्विक्ड अप मिल रही है, स्लाइटली हायर मिल रही है, थोड़ा सा जो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर है उसको रिफाइन किया गया है, जिससे परफॉर्मेंस डिफरेंस कितना आने वाला रियल लाइफ में वो हम अब जाकर देखेंगे। मेरे पास 13600K भी रखा हुआ है जो कि मेरी पुरानी मीडिया किट में से था, यानी 13 जन के प्रोसेसर जब इंटेल ने मुझे सेंड किए थे मेरी मीडिया किट में से, वो मेरे पास अभी भी था, उसी का यूज करेंगे और 14600K का यूज करेंगे इस किट में से। ऑल्सो मैं पहले के बेंचमार्क्स या नंबर्स नहीं उठाने वाला, हम लोग दोनों को अगेन एक फ्रेश तरीके से जो है बेंचमार्क करेंगे, 14600K को भी 13600K को भी प्रॉपरली अभी फ्रेश टेस्ट करेंगे। तो क्या कहते हैं, हो जाए जल्दी से 14600K vs 13600K, लेट्स गो। ऑल्सो ह्यूज थैंक्स टू गीगाबाइट इंडिया जिन्होंने सेंड किया मुझे अपना Z790 Aorus Elite X Wi-Fi 7 मदरबोर्ड, जो कि अमेजिंग VRM के साथ में आता है एंड जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कोर i5 बल्कि कोर i9 SKU को भी जब मैं टेस्ट करूंगा तो इजीली उसको टेस्ट कर पाऊंगा, इसका VRM उसको इजीली हैंडल कर लेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ऑल्सो आई वॉन्टेड टू यूज RTX 4000 सीरीज GPU अलॉन्ग विद दिस सेटअप, तो दे हैव सेंट मी द Aorus GeForce RTX 4070 Ti, ह्यूमंगस लुकिंग ग्राफिक कार्ड जो मैं पेयर करने वाला हूँ विद द कोर i5 14600K। 32GB DDR5 मेमोरी किट का हम लोग यूज करने वाले हैं, विच इज द किंगस्टन फ्यूरी 5600 MHz वाले मेमोरी मॉड्यूल्स यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं। टोटल 32GB RAM, 16GB के दो मॉड्यूल्स इस बिल्ड में हम लोग यूज कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के जल्दी से लेट्स मूव टुवर्ड्स सम सिंथेटिक बेंचमार्क्स, इसके बाद में गेम्स पर भी चलेंगे, बट फर्स्ट लेट्स गो टुवर्ड्स द सिंथेटिक बेंचमार्क्स। हम लोगों ने स्टार्ट किया है विद द सिनेबेंच 2024, जो सबसे लेटेस्ट एडिशन है, सबसे लेटेस्ट रिलीज है सिनेबेंच का। उसके साथ में यहाँ पर CPU मल्टी कोर परफॉर्मेंस की बात कर लें तो 13600K स्कोर करता है 1343 पॉइंट्स का स्कोर, वहीं 14600K स्कोर करता है 1411 पॉइंट्स का स्कोर, जो कि 14600K को 4.9% फास्टर बनाता है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में 13600K के मुकाबले। नाउ कमिंग टू द सिंगल कोर स्कोर्स, तो 13600K का सिंगल कोर स्कोर इज 115 पॉइंट्स, वहीं 14600K का सिंगल कोर स्कोर है 122 पॉइंट्स, जो कि अगेन 14600K को 5.9% की लीड दे देता है इसमें भी। मूविंग टुवर्ड्स Geekbench 6, यहां पर सिंगल कोर परफॉर्मेंस की बात कर लें, 13600K स्कोर करता है 2710 पॉइंट्स का स्कोर, वहीं 14600K स्कोर करता है 2782 पॉइंट्स का स्कोर, जो कि 14600K को 2.6% फास्टर बनाता है इसमें। मल्टी कोर परफॉर्मेंस की बात कर लें तो अपना 13600K स्कोर करता है 16183 पॉइंट्स का स्कोर, वहीं 14600K स्कोर करता है 16748 पॉइंट्स का स्कोर, जो कि 14600K को 3.4% फास्टर बना देता है Geekbench 6 मल्टी कोर स्कोर्स में। अब चलते हैं एक और खतरनाक
सिंथेटिक बेंचमार्क की तरफ जो कि है PC Mark 10। PC Mark 10 के स्कोर्स की बात कर लें, 13600 के वाला जो अपना सेटअप है बिल्कुल सेम हार्डवेयर के साथ में, उसमें अपना जो ओवरऑल स्कोर आता है दैट इज 8898। वहीं अगर हम लोग 14600 के वाले सेटअप में इस स्कोर की बात करें तो इस एप्लीकेशन में अपने को स्कोर मिलता है 9328 पॉइंट्स का, जो कि 13600 के वाले सेटअप से 4.7% ज्यादा आता है। इसके बाद में हम लोगों ने टेस्ट किया कोरोना 1.3 बेंचमार्क को। रेंडर टाइम्स की बात करें तो रेंडर टाइम्स वर ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम दोनों ही प्रोसेसर्स में, सिर्फ फर्क इतना था कि जो 14600K था उसका जो रेस का रेंडरिंग था, यानी कि उसने पर सेकंड जो रेस रेंडर किए वो स्लाइटली ज्यादा थे 13600K से, बाकी रेंडर टाइम ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, ऑलमोस्ट सिमिलर ही दोनों के रहे। इसके बाद में रेंडरिंग परफॉर्मेंस को थोड़ा सा और टेस्ट करने के लिए वी वेंट टू ब्लेंडर ओपन सोर्स बेंचमार्क, जहां पर हमने मॉन्स्टर जंक शॉप एंड क्लासरूम बेंचमार्क्स को जो था रन किया। यहां पर जो सैंपल्स पर मिनट रेंडर हुए उनको आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर 13600K के केस में और 14600K के केस में। 14600K के केस में थोड़े से बिल्कुल स्लाइट से जो अपने सैंपल्स पर मिनट थे वो ज्यादा रेंडर हुआ। नेक्स्ट कमिंग अप टू द क्रॉसमार्क एप्लीकेशन, जो कि इंटेल के अकॉर्डिंगली जो आपका एवरीडे यूजर सिनेरियो उसको जज करने के लिए बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। 13600K के जो स्कोर्स हैं उनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वर्सेस 14600K के जो स्कोर्स हैं उनको अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगेन देयर इज अ वेरी स्लाइट परफॉर्मेंस डिफरेंस दोनों के बीच में। अब सिंथेटिक बेंचमार्क्स में कोई बहुत ही ज्यादा वास्ट डिफरेंस अपने को नहीं मिला, जैसा कि 12th और 13th जेन के बीच में मिला था जनरेशन गैप, उतना जनरेशन लीप यहां पर अभी सिंथेटिक में तो नहीं मिला। तो जल्दी से कुछ गेम्स को भी टेस्ट कर लेते हैं 1080p पर। अब मैं यहां पर 1080p पर क्यों टेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि देखिए मैं कहता हूं कि जो अपनी गेम्स है वो 1080p पर ही CPU बाउंड रहती है। जैसे जैसे हम लोग रेजोल्यूशन को बंप करते जाएंगे 2K जाएंगे 4K जाएंगे, गेम्स जो है वो GPU बाउंड ज्यादा हो जाएंगी। बट यहां पर हम लोग टेस्ट क्या कर रहे हैं, वी आर टेस्टिंग द CPU प्रोसेसर्स राइट। तो हम 1080p पर ही जो अपना गेम का रेजोल्यूशन है उसको रखेंगे, ताकि जो CPU है उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस टेस्ट हो सके कि वो इस ग्राफिक्स कार्ड को जो है कितना खींच पा रहा है इसका परफॉर्मेंस। तो इसीलिए जल्दी से आइए कुछ गेम्स पर नजर डाल लेते हैं। सो हम लोगों ने स्टार्ट किया विद द वॉच डॉग्स लीजन 1080p रेजोल्यूशन, ऑल अल्ट्रा सेटिंग्स यहां पर हम लोगों ने यूज करेंगे। रे ट्रेसिंग को भी अल्ट्रा पर सेट कर रखा है, DLSS को हम लोगों ने ऑफ कर रखा है, क्योंकि नेटिव 4K रेजोल्यूशन पर ही हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं। 13600K की बात कर लें तो एवरेज FPS जो अपने को मिले वो थे 87 FPS, वहीं 14600K बेस सिस्टम की बात कर लें तो 92 FPS का एवरेज अपने को मिला, विच मीन्स 14600K जो है वो इस गेम में अपने को 5.5% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस दे रहा है एज कम्पेयर टू 13600K। इसके बाद में अगली गेम पर चलते हैं विच इज शैडो ऑफ द टूम्ब रेडर, 1080p पर ही हम लोग इस गेम को भी रन कर रहे हैं। डायरेक्टएक्स 12 इज इनेबल्ड, हाईएस्ट प्रीसेट का हम लोग यूज कर रहे हैं, जितनी भी एडिशनल सेटिंग्स हैं सारी चेक मार्क्ड हैं, सारी की सारी इनेबल्ड है। 13600K पर एवरेज परफॉर्मेंस की बात कर ले तो 240 FPS का अपने को एवरेज परफॉर्मेंस मिलता है, वहीं अगर बात कर ले 14600K पर एवरेज परफॉर्मेंस की तो 245 FPS का एवरेज परफॉर्मेंस मिलता है, जो कि 14600K को 2% फास्टर बना देता है इस गेम में। नेक्स्ट गेम इज फोर्जा होराइजन 5, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट्स है। 1080p रेजोल्यूशन पर हम लोग इस गेम को रन कर रहे हैं एंड दिस लुक्स आई कैंडी एक्सट्रीम, यानी कि जो इसका हाईएस्ट प्रीसेट है वो सेट है, रे ट्रेसिंग को भी इनेबल कर रखा है एंड हाइपर सेट कर रखा है। 13600K बेस सिस्टम एवरेज परफॉर्मेंस देता है 159 FPS का, वहीं सेम हार्डवेयर के साथ में 14600K बेस सिस्टम अपने को परफॉर्मेंस दे रहा है 164 FPS का एवरेज, विच इज 3% हायर देन 13600K। तो भाई नंबर्स तो आप लोगों ने देख ही लिए, आई एम प्रीटी श्योर आपको समझ आ ही चुका होगा। अब फाइनल वर्डिक्ट की बारी आ जाती है, तो यार फाइनल वर्डिक्ट मेरे लिए देना बहुत मुश्किल है इस टाइम पर, आई एम कंफ्यूज्ड। क्यों? क्योंकि एक तो मुझे इन प्रोसेसर्स की एग्जैक्ट प्राइसिंग जो है इंडियन प्राइसिंग उसके बारे में भी आइडिया नहीं है, एंड दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर जो कि इस चीज को डिसाइड करने के काम आएगा कि सेंसिबल है या नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि लेट सपोज अकॉर्डिंग टू इंटेल, जैसा कि इंटेल दावा कर रहे हैं कि इसकी जो प्राइसिंग है वो 13th जेन के नेक टू नेक ही रहने वाली है, मतलब जितने का आपको 13600K मिलता था कायदे से 14600K भी आपको उसी प्राइस पर या उसके आसपास जो है मिलना चाहिए। अगर प्राइसिंग उतनी रहती है तब मैं इसको एक सेंसिबल चॉइस शायद मान सकूं। क्यों? क्योंकि अगर प्राइसिंग थोड़ी सी भी ऊपर चली जाती है 13600K से थोड़ा भी ऊपर चला जाता है 14600K, तो इतने स्लाइड से परफॉर्मेंस पंप के लिए मैं शायद उतना डिफरेंस पे करना ना चाहूं। अगर लेट सपोज डिफरेंस आ जाता है 2-3 हज़ार रुपए का, तो मैं इतने स्लाइड से डिफरेंस के लिए 2-3 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा पे करना ना चाहूं बीइंग अ कंज्यूमर। ऑल्सो अगर इस जनरेशन को सेम प्राइस पर लेकर आता है इंटेल, तो 13th जेन के प्राइसेस अगर उन्हें कम करने पड़ते हैं ताकि वो भी बिके, तो वो कितना कम होता है ये भी बड़ा क्रूशियल फैक्टर है। अगर 13600K का प्राइस चेंज होता है, नीचे जाता है, और 14600K का प्राइस अभी करंट जो 13600K का प्राइस है उतना ही रहता है, उस केस में भी अगर 13600K काफी सस्ता हो जाता है तो तब भी मेरे को 13600K को प्रेफरेंस या फिर एज देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो प्राइस डिफरेंस रहे मे बी वो प्राइस डिफरेंस जो स्लाइड सा परफॉर्मेंस गेन बस अपने को मिल रहा है उसको जस्टिफाई ना कर पाए। सो आई एम कंफ्यूज्ड।
अब ये सब कुछ प्राइसिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या 14th जेन सेंसिबल रहती है लेना या फिर आपको 13th जेन ही ले लेने चाहिए। ऑल्सो मे भी हो सकता है कुछ बायोस पैच रिलीज किया जाए या बायोस अपडेट भी रिलीज की जाए जिससे परफॉर्मेंस को स्लाइटली और ट्वीक अप किया जा सके, ताकि मतलब मैं 13th जेन को हटाकर इसको एक वैलिड ऑप्शन बोल पाऊँ कि हाँ, अगर ये आपको हल्का सा महंगा भी मिल रहा है तो भी 14th जेन आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस बंप दे रहा है तो आप उसको ले पाओ। अब ये क्या होता है क्या नहीं होता ये तो देखो टाइम के साथ में ही मुझे भी पता लगेगा और फिर आपको भी पता चलेगा। फिलहाल मेरी कन्फ्यूजन को थोड़ा सा हल्का करो, नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताओ कि अगर आपको सिमिलर प्राइसिंग पर दोनों मिल रहे होंगे तो आप क्या लेना प्रेफर करेंगे। विल यू चूज अ कोर i5 14600K और विल यू चूज अ कोर i5 13600K। बाकी ये था मेरा वीडियो आज का, एक डिटेल वीडियो दोनों के बीच में। आपको वीडियो पसंद आया वीडियो कीजिए लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए उस बेल आइकन को भी ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, टिल देन चीयर्स।